कैसे हैं गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो है कुरान को हाथ मत लगाना, रिक्वेस्टेड बाय जैन अहमद पठान जो ने। एक्चुअली जब मुझे ये कमेंट आया था और जैन अहमद का मैंने सबसे पहले कमेंट पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कुरान को हाथ मत लगाना, रिएक्शन दीजिए। तो आई वाज सरप्राइज क्योंकि मुझे नहीं पता था कुरान को हाथ मत लगाना कोई वीडियो है। मुझे लगा कि वो मुझे बोल रहे हैं कि कुरान को हाथ मत लगाना, रिएक्शन दीजिए, कि बस आप रिएक्शन दिया करो, कभी भी भूल के कुरान को हाथ मत लगाना। आई थॉट कि वो ये कहना चाह रहे हैं। सो आई वाज सरप्राइज कि उन्होंने ये क्यों लिखा है। बट जब मैंने सेकेंड कॉमेंट पढ़ा जो कि पठान जुनेद से था, तो उन्होंने मैंशन किया था कि कुरान को हाथ मत लगाना, वीडियो पे भी रिएक्शन दीजिए। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये कोई वीडियो है जो मुझे रिक्वेस्ट आया है। और थैंक यू पठान जुनेद जी, आपने ये भी मेंशन किया था कि आप और आपकी वाइफ मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल और आप सबका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी सारी वीडियोज़ को देखते हैं, तो इससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं हो सकती। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं और जब मुझे पता लगता है कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ में मिलकर, साथ में बैठकर मेरी वीडियोस देखते हैं, तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो यूं ही अपना प्यार मुझे देते रहिए। कभी कभी मेरी वीडियोस में कुछ नॉइज़ की डिस्टर्बेंस रहती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। फिर से स्टार्ट हो गया, तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसकी वजह से ये बीच बीच वाली नॉइस रहती है। और सामने ही पार्क है, बच्चे खेलने के लिए आते रहते हैं, तो बच्चों को कंट्रोल करना इज एक्चुअली इम्पॉसिबल। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे, और जो भी बैकग्राउंड नॉइस और डिस्टर्बेंस रहता है उसको जस्ट इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं ये सारी रिएक्शन वीडियोस बना रही हूँ। और जब आप लोगों का प्यार मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुरान को हाथ मत लगाना। और ऐसा क्यों इस वीडियो को टाइटल दिया गया है कुरान को हाथ मत लगाना, इसको जब देखेंगे तभी पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सोचा कि इस्लाम को एक खुद से ज़रा मुतालिया करते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला उस मस्जिद के कारी साहब पे बहुत लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, कि जिनकी मस्जिद में मेरा जाना हुआ और मैंने उनसे अर्ज़ की कि मुझे तर्जुमे वाला कुरान मजीद दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपके घर में नहीं है। तो मैंने कहा कि वो हमारे घर में कैसे होगा, मैं तो ईसाई। तो उन्होंने कहा कि आप ईसाई हैं तो मस्जिद में दाखिल हो गया। कमबख्त, तुझे बचपन से वालदैन सिखा रहे हैं कि मुसलमानों से कभी कुरान, रसूल, अल्लाह की, उम्मतुल मोमिनीन, सहाबा इकराम की बात नहीं करनी। 295C लगेगी, सारी जिंदगी सराहों के पीछे सड़ते रहोगे। तो मैंने वहां से निकलने में आफियत महसूस की, गोया कि बड़े बेआबरू हो गए तेरे कूचे से निकलने के मुस्ताक। उधर हिंदू जो है वो अछूत लोगों को हाथ नहीं लगाने देते गीता को, रामायण को, और इधर मुसलमान ईसाइयों को हाथ नहीं लगाने देते। तो क्या आखिर इसमें राज है? तो जब गए तो दिल में ये अहद कर लिया कि कुरान को पढ़ना जरूर है। दोस्त से कहा कि भाई किसी को बताना ना, कुरान मजीद चाहिए। तो उसने कुरान मजीद ला दिया। मुख्तसर उसके साथ एक पूरी तफसील से बात हुई, उसने वो नसीहत की बड़ी खूबसूरत। उसने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, बस आपने इसको साफ सुथरा होके पढ़ना है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। मैंने पहली बार कुरान मजीद को जब हाथ लगाया तो मैंने सोचा कि शायद आसमान से बिजली ना कहीं गिर पड़े, कोई जमीन शक ना हो जाए, मुझे कोई जो है वो जमीन में धंसा ना दिया जाए, कोई तूफान ना आ जाए। और फिर ये सारी चीजें हुई मेरे दोस्तों, फिर ये वक्तन फवक्तन ये सारी चीजें हुई। मैंने जब पहली बार कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ा था तो मैंने बड़े डरते डरते उसको खोला, तो मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। और मेरे लिए ये जुमला बहुत इंस्पायरिंग था, यानी किसी को झंझोड़ देने वाला, रब्बुल आलमीन। क्योंकि हमने तो सारी जिंदगी बाइबल में पढ़ा था खुदावन तुम्हारा खुदा इसराइल का खुदा है, खुदावन तुम्हारा खुदा इब्राहिम का खुदा है, खुदावन तुम्हारा खुदा याकूब का खुदा है, खुदावन तुम्हारा खुदा रब्बुल अफवाज का खुदा। लेकिन मुसलमानों का कुरान क्या कह रहा है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। अर रहमान रहीम, वो मेहरबान ही नहीं, वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। ए मेरे बंदे, तो उसकी
उसका रहमान होना तुझे कहीं जो है वो गफलत में मुब्तला ना कर दे, कहीं तू शुतर बेमुहार ना बन जाए। इसलिए याद रखना मालिक यौमिद्दीन, वो मेहरबान और निहायत रहम करने वाला ही नहीं बल्कि वो एक ऐसे दिन का मालिक भी है कि जिस दिन छोटी सी छोटी नेकी और छोटे से छोटे गुनाह का हिसाब किताब करके चुपटा कर दिया जाएगा, और उस दिन कोई ना छुड़ाने वाला होगा ना कोई बचाने वाला होगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ मेरे बंदे, किसका मुतलाशी है? सीधे राह पे चलना चाहता है, जन्नतों का मुतलाशी है, अल्लाह की रजा चाहता है, उसकी नाराजगी से बचना चाहता है, दोजख की आग से बचना चाहता है? मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हाजा सिरातुल मुस्तकीम। क्याला अजीब कलाम! मैंने कहा कि ये वही कलाम नहीं है जिस तरह तौरात ज़बूर अंजील थी, वो भी तो अल्लाह का कलाम ही था, लेकिन उनका हाल क्या हो? तमनन कलील, चंद पैसों के खातिर उनमें बढ़ा दी गई चीजें, घटा दी गई चीजें। तो मैंने कहा कि उसी तरह ये कलाम, तो कलाम कुरान ने कहा कि नहीं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है कि जिसमें शक शुबा नहीं, शक शुबे का शायबा भी नहीं है। इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। अगर तुम्हें शक है उस किताब के बारे में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद में नाजिल की है, तो ऐसे करो कि फिर इस जैसी एक सूरत ही ले आओ, और अगर तुम ना कर सको और हरगिज नहीं कर सकते, तो फिर डरना चाहिए तुम्हें अल्लाह के शदीद तरीन अज़ाब से। कि या अल्लाह, ये कि मुसलमान हमें इसको हाथ लगाने से क्यों रोकते हैं? कि तो आप कह रहे हैं कि ये कलाम उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो मुत्तकीन है, जो उसकी रजा जोई के लिए अपने आप को वक्फ करना चाहते हैं, जो उसकी नाराजगी से बचना चाहते हैं। ये मुसलमान कहते हैं कि तुम हाथ नहीं लगा सकते। तो ये अब्दुल वारिस हैं, इनकी एक वीडियो पे मैं ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी हूँ और ये सेकंड है। तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि मतलब कोई भी जो स्क्रिप्चर है, जो होली बुक है, उसको हाथ लगाने से हर मजहब के लोग, मतलब दूसरे लोगों के लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस रख दी हैं कि नहीं आप हाथ नहीं लगाओगे। या ये रिस्ट्रिक्शंस तो लोगों ने बना दी है कि ये हमारी ही होली बुक है और इसको वो लोग हाथ नहीं लगाएंगे या ये लोग हाथ नहीं लगाएंगे, बट अगर देखा जाए तो वो जो होली बुक है वो पूरी उम्मत के लिए है, ताकि सब लोग उसको पढ़ सकें और जितनी भी नॉलेज है वो लोग गेन कर सकें। जैसे कि हिंदुओं की भी बात उन्होंने बोली थी कि हिंदू लोग भी क्या करते हैं, वो शेड्यूल कास्ट को बोलते थे कि नहीं आप हमारी ये जो हमारी होली बुक है गीता वेद वगैरह उसको टच नहीं करेंगे। बट आजकल तो नहीं होता, ये बहुत पहले की बातें थी जो कि मैंने भी पढ़ी हुई हैं, जो हमारी बुक्स में होती थी कि हाँ पहले छुआछूत बोलते हैं, वो अनटचेबल वाला जो पहले बहुत ज़्यादा सीन रहता था कि आप लोग शेड्यूल कास्ट है तो आप हमारी मंदिर में नहीं आओगे, आप हमारी बुक्स को हाथ नहीं लगाओगे, तो वो पहले बहुत होती थी। अभी तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी ऐसा होता होगा, कहीं भी नहीं होता होगा, मुझे लगता है कि गाँव देहात में भी नहीं होता होगा ये सब। तो और कुरान का मुझे नहीं मालूम कि अगर आज भी वो लोग जो नॉन मुस्लिम हैं उन लोगों को आज भी मनाही है कुरान को टच करना या नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं पता। बिकॉज़ मुझे हमारा पता है कि अगर कोई गुरुद्वारे में जाता है, वहाँ पर हम लोगों ने जो पाठ है वहाँ पर एक प्रॉपर रैक होता है जिसमें उन्होंने बुक्स रखी होती है, हमारी होली बुक्स होती हैं, तो उनको जिसका भी मन है कि वो पढ़ना चाहता है, बट ऑब्वियसली आपको रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी, आपको अपना अच्छे से अपने सर को कवर करना होगा, अच्छे से प्रॉपरली शांति से एक जगह बैठ के फिर पढ़ना होगा। ये चीज़ तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप उनकी कोई भी रिलीजियस बुक को पढ़ते हैं तो आपको इतना तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, तो कि आपके बेयर फीट होने चाहिए, आपको जो भी शूज़ चप्पल सॉक्स भी नहीं पहनना चाहिए उस टाइम पे। तो ये हमारे में होता है कि अगर आप गुरुद्वारे जाते हो और आपको गुटका पढ़ना है, हम लोग उनको गुटका साहब बोलते हैं, और गुरु ग्रंथ साहब पूरी हमारी बड़ी वाली होली बुक होती है,
तो अगर आपको वो पढ़ना है तो आपको इतना रिस्पेक्ट देना होगा कि आपको प्रॉपरली अपना सर कवर करना है, आपको अपने शूज रिमूव करने ही पड़ेंगे, सॉक्स भी नहीं पहननी पड़ेंगी, और फिर आपको बैठ के आराम से उसको पढ़ना है। तो कुरान का आई गेस कि उनका भी यही आई गेस उनकी भी यही एक्सपेक्टेशन होगी कि बस आप लोग अच्छे से साफ सुथरे होकर वहाँ बैठो, अपने जो भी टोपी पहनते हैं वो पहनो और उसके बाद में आप लोग कुरान को पढ़ो। तो एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट हो सकता है यही हो। बट मुझे लगता नहीं कि आज के टाइम पे ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कोई दूसरे रिलीजन के लोग हमारी होली बुक को ना पढ़े। बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा मतलब खुद का ओपिनियन है कि ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, बिकॉज मेरे नज़रिए में ये रिस्ट्रिक्शंस होनी भी नहीं चाहिए। आजकल तो वैसे भी अगर हम देखें तो ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर हम लोगों को कोई भी बुक रेफ़र करनी है, उसका कोई चैप्टर रेफ़र करना है, तो हम लोग जाके ऑनलाइन भी उन चीज़ों को देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, और जो होली बुक्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। मैंने कभी की नहीं होली बुक को ऑनलाइन ऑर्डर, तो नहीं पता उसका। बट ठीक है, काफ़ी सोर्सेज हैं आजकल के टाइम पे इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं ना कि आप यहाँ से भी पढ़ लो। जैसे अब्दुल बारी साहब ने भी क्या किया था, उन्होंने अपने एक फ्रेंड को रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे कुरान ला के दे दो, और मतलब किसी से डिस्क्लोज मत करना कि मतलब आप मुझे ला के दे रहे हो, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे पहले, बाद में उन्होंने वो कन्वर्ट हुए हैं। तो उनके फ्रेंड ने लाकर दे दी, और उनके फ्रेंड ने भी यही बोला था कि आप ले तो लो, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि आप नहा धो के साफ सुथरे होकर फिर उसको पढ़ें, क्योंकि इतना तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है ना कि अगर हम आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी होली बुक हैंडओवर कर रहे हैं, तो आपको भी उस होली बुक को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और प्रॉपरली फॉलो करनी पड़ेगी जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो बस जी, आज यही है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।